उत्तर प्रदेश बहराइच कैसरगंज में पहुंचे ओवैसी चुनावी कार्यालय का किया उद्घाटन। भागीदारी संकल्प मोर्चा भाजपा से मुकाबले को तैयार। बहराइच में AIM-IM ऑल इंडिया मजलिसे इतेहादुल मुस्लिमीन प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी गुरुवार को बहराइच पहुंचे। यहां उन्होंने अपने चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया और दरगाह शरीफ का मजार पर जाकर चादर चढ़ाई। चुनावी रैली का आगाज करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने प्रदेश की योगी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हम सर्कस के जोकर नहीं है, कि रिंग मास्टर बनकर सबको अपने इशारों पर नचाएंगे। कोरोना काल के दौरान फैली अव्यवस्था को लेकर AIM-IM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने योगी सरकार पर जमकर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में लाखों की संख्या में मौतें हुई हैं, यूपी में गंगा के किनारे गरीबों की लाशें बह रही थीं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि कोरोना काल में पूरी आवाम को ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, अस्पताल में बेड नहीं मिल रहा था और लोग इधर उधर भटक रहे थे। वहीं यूपी में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर AIM-IM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के नेतृत्व में बना हमारा भागीदार संकल्प मोर्चा मुकाबला करने को तैयार है। वहीं उन्होंने जनता से कोरोना का टीकाकरण करवाने की अपील की और कहा कि हालात काबू होने के बाद वह जल्द ही यहाँ पुनः अपनी रैली को संबोधित करेंगे।